प्रश्न है 1757 के प्लासी के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास में बंद कमरे का सौदा कहा जाता है क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई थी। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सत्ता के तीन दावेदार थे, लेकिन जैसे ही सत्ता सिराजुद्दौला को मिली उसने अपने प्रतिद्वंदी को एक किनारे कर दिया। लेकिन सेनापति मीर जाफर अभी भी नवाबी सपने देख रहा था, तो उसे हटाकर मीर मादन को सेनापति बना दिया गया। दूसरी तरफ अंग्रेजों की नजर बंगाल जैसे बड़े क्षेत्र पर थी क्योंकि वे पूरे भारत पर अधिकार के रूप में एक रास्ता इसे मान रहे थे। उद्देश्यों की प्राप्ति और परिस्थितियों का लाभ लेते हुए अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाबी का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इन्हीं परिस्थितियों के बीच गंगा नदी के किनारे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें मीर मदान मारा गया और सिराजुद्दौला की हार हुई। युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों के पिट्ठू नवाब मीर जाफर ने क्लाइव सहित कंपनी के नौकरों को अपार संपत्ति दी, जिसका नुकसान 3 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही बंगाल से प्राप्त राजस्व का उपयोग कर विशाल सेना तैयार की, जिसने भारत पर अधिकार का रास्ता साफ कर दिया। इस प्रकार सही विकल्प है डी।